Hello students, once again welcome on my YouTube channel Microbiology by Santosh Napte. Students, अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर के रिजल्ट लग चुके हैं और ये आने वाले एक दो हफ्ते में फाइनल के सारे यूनिवर्सिटी के रिजल्ट लग जाएंगे और उसके बाद आपके सामने जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में करना है या फिर एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में करना है, क्योंकि अभी बहुत सारे ये जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का फील्ड है ये इमर्जिंग फील्ड है एज अ फॉर माइक्रोबायोलॉजिस्ट. सो इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि मेरे लिए एमएससी जनरल माइक्रोबायोलॉजी अच्छा रहेगा या फिर मेरे लिए एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी अच्छा रहेगा. और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन है कि ज्यादा स्कोप प्लेन माइक्रोबायोलॉजी करने के बाद है या फिर ज्यादा स्कोप मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी करने के बाद है. तो स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से अगर आप जनरल एमएससी माइक्रोबायोलॉजी करोगे तो आपके लिए वहां पे ज्यादा स्कोप रहेगा, क्योंकि जनरल माइक्रोबायोलॉजी एमएससी करने के बाद आपको मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में के फील्ड में भी जॉब लग सकता है. यू विल गेट अ जॉब इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उसके बाद आपको फूड इंडस्ट्री में जॉब मिल सकता है, उसके बाद आपको एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में जॉब लग सकता है, डेयरी इंडस्ट्री में भी आप जॉब कर सकते हो. मतलब एमएससी जनरल माइक्रोबायोलॉजी करने के बाद आपको हर एक फील्ड जो माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड है ये आपके लिए ओपन है. सो और जब आप एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी करोगे तो ज्यादा से ज्यादा या फिर आपका जो स्कोप रहेगा वो थोड़ा सा लिमिटेड रहेगा, क्योंकि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में एमएससी में आपको आप पूरा जो पढ़ोगे वो दैट विल बी रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड. सो एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी करने के बाद अगर आप फूड इंडस्ट्री में जॉब ढूंढ रहे हो तो देर विल बी डिफिकल्टी टू गेट अ जॉब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी. लेकिन जनरल एमएससी माइक्रोबायोलॉजी करने के बाद आप मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हो और आप ये जो बाकी के जो इंडस्ट्रीज है, चाहे वो फूड इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, चाहे टीचिंग फील्ड हो या फिर मिनरल वाटर इंडस्ट्री हो या फिर दैट इज वाइन इंडस्ट्री हो, वॉट एवर दैट. सो यू कैन अप्लाई फॉर अ जॉब इन ऑल दीज इंडस्ट्रीज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एमएससी माइक्रोबायोलॉजी. लेकिन जब आप एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी करोगे तो उसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा जो भी अप्लाई करना पड़ेगा वो आप मेडिकल फील्ड के रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है या फिर जो सेक्टर है उसमें आप अप्लाई कर सकोगे. तो मेरे ख्याल से अगर आप एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कर रहे हो तब आपका जो जॉब का जो स्कोप है या फिर अपॉर्चुनिटीज है वो आपकी लिमिटेड हो जाएंगे, और जब आप एमएससी जनरल माइक्रोबायोलॉजी करोगे तो आपका जो स्कोप है ये ब्रॉड रहेगा, आप कौन से भी माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड फील्ड में जॉब कर सकते हो. तो ये मेरे ख्याल से जो डिफरेंसेस है, अगर आपके मन में कन्फ्यूजन है और अगर आप कौन से भी फील्ड में माइक्रोबायोलॉजी के रिलेटेड कौन से भी फील्ड में जॉब करना चाहते हो तो इट विल बी बेटर टू गो फॉर एमएससी जनरल माइक्रोबायोलॉजी. अगर आपको खाली मेडिकल फील्ड में जाना है तो आप ओनली अप्लाई फॉर एमएससी इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी. उसी वक्त अगर आपको मेडिकल फील्ड में जॉब करना है विदाउट एनी अदर फैक्टर और सेक्टर, देन यू कैन गो फॉर ओनली मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी. एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में करिए तब. लेकिन अगर आपको कौन से भी फील्ड में जॉब करना है या फिर आपका जो स्कोप है ये आपको बढ़ाना है तो आप जनरल एमएससी माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हो. तो ये अगर आपको कन्फ्यूजन है तो ये इसे क्लियर कीजिए. मेरे ख्याल से एमएससी जनरल माइक्रोबायोलॉजी को ज्यादा स्कोप है एज कंपेयर टू एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी. सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपका जो भी कन्फ्यूजन है वेदर वॉट विल बी बेटर वेदर एमएससी जनरल माइक्रोबायोलॉजी और एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, तो ये जो आपके मन में कन्फ्यूजन है ये डेफिनेटली दूर हुआ होगा. अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई टू गिव द आंसर. और अगर आपने ये माइक्रोबायोलॉजी बाय संतोष नपते चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके आने वाले जो भी रिलेटेड वीडियोज है आपको उसी के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.